नुकताच तळेगाव पुणे इथे आठव्या आदिवासी युवा आदान प्रदान सोहळ्याचा समारोप समारंभ मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडला। पाहूया त्याचा आढावा। युवा कार्यक्रम तसंच खेल मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र संघटन महाराष्ट्र गोवा मंडल आणि नेहरू युवा केंद्र आणि सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यावेळी नेहरू युवा केंद्र संघटनचे उपाध्यक्ष शेखरराव परेला, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, नेहरू युवा केंद्र संघटनच्या सदस्य राणी द्विवेदी, पोलीस उपमहानिरीक्षक आरटी परमहंस, सीआरपीएफचे समादेशक एचएस काळस आणि राष्ट्रीय युवा पुरस्कारार्थी असोसिएशनचे हितेंद्र सोमाणी आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते। यावेळी मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला। शेखरराव परेला आपलं मनोगत मांडताना म्हणाले, पिछड़ा राज्य है और आतंकवाद से भरे हुए ऐसा प्रांत है और आर्थिक विकास जहां नहीं हुआ ऐसा इलाकों से युवा समाज को लाके और देश में अलग अलग जगह उसको घुमा के एक राष्ट्रीय एकता का भाव, एक अच्छा व्यक्तित्व विकास पिछड़े वाला एरिया का युवा में विकास हो, इस भूमिका बहुत लंबी समय से अलग अलग कार्यक्रम से नेहरू युवा केंद्र निभाती रही है। इस बार हम छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उड़ीसा से, जम्मू कश्मीर से और उत्तर पूर्वांचल के जो असम, अरुणाचल, मिजोरम जैसा उस एरिया के 8 राज्य हैं, उस अलग अलग जगह से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को, युवाओं को देश भर में भ्रमण करवाने का एक बड़ा कार्यक्रम नेहरू केंद्र ने हाथ में लिया है। प्रमुख अतिथि राणी द्विवेदी जी यांनी यावेळी आपले विचार प्रकट केले। आदिवासी हा एक वेगळा विषय, हा भारतभरात लोकांचा विचार आहे, पण देशभरामध्ये यांना काय हवंय आणि देशात यांना कसं, देशवासी म्हणून मी हा भारताचा व्यक्ती आहे हे समजण्याचा प्रयत्न नेहरू युवा केंद्र विविध कार्यक्रमातून करतो। यात 9 ते 15 तारीखच्या दरम्यान पुण्यामध्ये त्यांना प्रत्येक अशी वस्तू दाखवल्या गेली जे त्यांच्या भवितव्यासाठी, भविष्यासाठी उपयोगी होईल। खूप मात्रामध्ये आदिवासी हा स्वतःला मी वेगळा आहे, मी सामान्य माणसासारखा नाही हा त्याचा विचार असतो। त्याचा रिझनही आहे की आम्ही त्यांना काही गोष्टींमध्ये त्यांच्याकडे आपलं लक्ष नसतं, मी आतंकवादी एरियात राहतो किंवा मी नक्षलाईट आहे अशी त्यांची एक प्रवृत्ती स्वतःची असते। नेहरू युवा केंद्राचे जिल्हा युवा समन्वयक यशवंत मानखेडकर यांनी या प्रसंगी संवाद साधला। या कार्यक्रमाचा उद्देश आदिवासी युवकांना मुख्य प्रवाहात आणणं, त्यांना रोजगाराच्या संधी मिळवून देणं आणि देशातल्या बदलत्या घटकांची जाणीव करून देणं हा असून, आम्ही जवळजवळ 8 दिवसापासून आदिवासी युवकांना या ठिकाणी एकत्रित करत आहोत आणि यातून आम्ही त्यांना व्याख्यानाबरोबरच, प्रबोधनाबरोबरच त्यांनी प्रत्यक्ष आर्थिक प्रगती देशात कशी होत आहे, शैक्षणिक प्रगती कशी होत आहे, म्हणून आर्थिक प्रगतीसाठी आम्ही ऑटो क्लस्टर, विज्ञानाची प्रगतीसाठी विज्ञान आश्रम किंवा विज्ञान पार्क पिंपरी चिंचवडचं आम्ही त्यांना दाखवलेलं आहे। विद्यार्थ्यांनीही कार्यक्रमाबद्दल आपलं मनोगत व्यक्त केलं। हम जो गांव से आए हैं शहर में यहाँ स्किल डेवलपमेंट और बड़ा बड़ा कंपनी फील्ड विजिट करा के जो दिखाए हैं, फील्ड विजिट करके दिखाए हैं, जो वहाँ से VIPs आके हमारे साथ इंटरेक्शन किए वो बहुत अच्छा लगा। और जो कंपनी से आए हैं मैनेजर, वो कंपनी के बारे में जॉब ऑफर किए कि गांव से आकर शहर में अपन खुल के कहे कि यहाँ आके एक काम करना चाहते हो क्या, ये एक ऑफर है, क्योंकि हमारे लिए ये ऑफर ही होगा क्योंकि हम गांव से हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचता, पर मालिक ने आके खुद बताए कि हमें जॉब करना है क्या, इसे हम ऑफर ही समझते हैं। हमने इस पुणे शहर में बड़ी बड़ी कंपनियां देखी जिसमें विज्ञान साइंस में, विज्ञान केंद्र में विज्ञान के बारे में सीखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां और छोटी छोटी गाड़ियों का पार्ट भी देखे, उसमें कैसे बनता है, मशीनों का पार्ट देखे, उसमें से अलग अलग पार्ट देखे और सहोदया पार्क में भी देखे, वहाँ सॉफ्टवेयर का उत्पादन होता है, वहीं से बना जाता है और वहाँ की जो पार्क थी हमें बहुत ही अच्छी लगी, साफ सुथरी थी।